दोस्तों, कैसा आप सब? आपका स्वागत है मोटर ब्रेड्स के ऑटो न्यूज एपिसोड नंबर 60 में। और दोस्तों, जैसे कि पूरे हफ्ते ऐसे ही बढ़िया न्यूज आने वाली है, मतलब आज भी पूरा पैक्ड है, मतलब बहुत सारी न्यूज है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरा नाम बनी तो आप देख रहे हैं मोटर ब्रेड्स। तो न्यूज नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है टोयोटा वालों की तरफ से। टोयोटा की जो इनोवा है उसको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 50th ईयर्स की एनिवर्सरी जो है इसका स्पेशल एडिशन टोयोटा इनोवा का जो है वो लॉन्च हो चुका है और सिर्फ 20 यूनिट है। ऑफ कोर्स ये इंडिया में नहीं बिकेंगे, बट एक स्पेशल न्यूज थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। ऑलमोस्ट इनोवा को इंडिया में भी आए 16-17 साल हो चुके हैं और अभी भी इतनी बढ़िया बिकती है ये गाड़ी। और अगर किसी को भी लेनी है तो वो ट्रस्टेबल कार मानी जाती है, मतलब आप 7-सीटर कार लेना चाहते हो और ट्रस्ट भी ऐसा होना चाहिए, रीसेल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस में भी कोई अपने को पंगा नहीं मांगता है, वैसे ये गाड़ी इसी नाम पे डिफाइन होती है। टोयोटा इनोवा एक भरोसा बन चुका है लोगों का। न्यूज जो है वो है महिंद्रा वालों की तरफ से। महिंद्रा वाले अपनी सेगमेंट में एक SUV कूपे बोल सकते हैं, BMW X6 जो है वो कूपे है, फिर बहुत सारी मर्सिडीज की भी कूप्स आती है और ये सारे कूपे मतलब इसके कंपटीशन में तो नहीं, बट 10 से 20 लाख के कंपटीशन में कूपे महिंद्रा वाले लॉन्च कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है और इस न्यूज़ को सच मत मान लेना, ठीक है? अभी सिर्फ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि महिंद्रा वाले ऐसा प्लान कर सकते हैं, प्लान हुआ नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनो, फिर रूमर मत फैला देना कि ऐसी कूपे आने वाली है। और वैसे ये सिर्फ सोचा जा रहा है महिंद्रा वालों की तरफ से, इनिशियल स्टेज पे है, आ सकती है। XUV 900 के नाम पे भी आ सकती है और महिंद्रा वालों ने ऑलरेडी एक बार कंसेप्ट जो है वो भी शो कर दिया था 2016 में, महिंद्रा एरो अगर आपको याद हो तो। ऐसे शायद आ भी सकता है, शायद बोल रहा हूँ, कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है दोस्तों। तो रूमर्स मत फैला देना कि ऐसी गाड़ी आएगी, बहुत जल्द आएगी, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, शायद ना भी आए। ये सिर्फ एक न्यूज़ है, इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना दोस्तों, ठीक है? वैसे महिंद्रा की जो अगली न्यूज़ है वो भी आपको ज़्यादातर सीरियस नहीं लेना है दोस्तों। अगली न्यूज़ जो है वो भी जैसे मैंने पहले के न्यूज़ में बोला महिंद्रा की है। महिंद्रा की जो XUV 500 है वो तो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी, XUV 700 आने वाली है इसलिए, बट XUV 500 की भी 5-सीटर वर्जन आ सकती है 2024 तक, 2024 ऑलमोस्ट 3 साल, और इसकी कंपटीशन होगी क्रेटा, सेल्टोस, ऐसी गाड़ी। अभी इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आएगी नहीं आएगी, सिर्फ रिपोर्ट्स कह रहे हैं, ज़्यादातर सीरियस मत लेना, ठीक है? तो अगले न्यूज़ जो है वो है ह्युंडई की तरफ से। ह्युंडई की जो अल्केजर है उसकी लॉन्च होने वाली थी, बट अभी कोविड की वजह से ये लॉन्च जो है वो डिले हो चुका है ऑफकोर्स। और अभी जो मुझे खबरें मिल रही है कि ऑल इंडिया अक्रॉस सारे शोरूम्स पे इसकी जो बुकिंग्स है वो ओपन होना चालू हो चुकी है, मतलब आप किसे बुक करा सकते हो। और आपको मैंने सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने बता दी है। वैसे इसका लॉन्च कब है इसके बारे में ज़्यादा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, शायद मई एंड या फिर जून में भी देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप रहने दो। वैसे बुकिंग्स ओपन हो चुके हैं तो आप अगले 1 महीने के अंदर इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडियन रोड्स पे आपको दिख जाए। और दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो है CF मोटो की तरफ से और ये आज की आखिरी न्यूज़। और ये जो न्यूज़ है वो है CF मोटो GT 650 जो है, मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि इसका टीज़र जो है वो आउट हो चुका है और अभी इसकी जो बुकिंग्स है वो भी ओपन हो चुके हैं, मतलब आप बुक करा सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी बुकिंग अमाउंट की तो 5000 से इसकी बुकिंग स्टार्ट होती है, आप टोकन दे के अपनी बुकिंग करवा सकते हो। वैसे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक ज़्यादातर बाहर नहीं आई है इसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आएगी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, वरना आप लॉन्च तक तो वेट कर ही सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ऑटो न्यूज़ एपिसोड नंबर 60 जो है ये ख़त्म होता है। बहुत लोचा हो जाता है यार जब नंबर्स बढ़ जाते हैं ना एपिसोड तक, तब बहुत लोचा हो जाता है। वैसे ये लोचा लफड़ा तो चलता रहेगा, बट अभी अगर हम बात करें तो आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है नहीं किया? अगर नहीं किया है तो मैंने आज से शॉर्ट न्यूज़ जो है, शॉर्ट ऑटो न्यूज़ जो है वो मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लो, रील्स देखो और मज़े करो बस।
अभी वहाँ पे स्टोरीज मैंने थोड़े दिनों से बंद कर दिए। IGTV आपको पता ही है कि संडे को सेम टाइम पे यूट्यूब पे और यहाँ पे दोनों टाइम पे मिल जाने वाला है। एक स्पेशल वीडियो, स्पेशल टॉपिक है, तो आप फिर से वही सारा प्यार बरसा देना प्लीज़। और हमने ट्विटर पे भी, तो ट्विटर पे भी जाकर फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी छोटी मोटी जो न्यूज़ होती है वो मैं डालता रहता हूँ, फिर ट्वीट्स व्लीट्स सब कुछ डालता हूँ, तो वहाँ पे जाकर फॉलो करना बनता है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लो भाई, ये नहीं कर सकता मैं। बस यही था, जो कुछ भी था। हम आपको मिलेंगे कल ऑटो न्यूज एपिसोड नंबर 61 के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मजा नहीं आ रहा है।